बात करने के वास्ते बुलाया था, वो उनको घर के नहीं हुए, दोनों आगे आए। भाई ये हुआ क्या, वाकया क्या है? वाकया इससे पहले 3 साल पहले लड़ी हुई थी। कहाँ पर? वही फातिमा जरा मस्जिद से पहले जी। वो कंपार्टमेंट हो गया था पीएस में बुला के जी। कंपार्टमेंट होने के बाद में खत्म हो गया था जी। उसके 6 महीने 1 साल के बाद में फिर उठा लेके ऑटो में डाल लेके मारे इनको। फिर वो भी हो गया कंपार्टमेंट पीएस में जाने के बाद। अब फिर एक मेरे को घूर रहे थे 4-5 दिनों से, तो मेरे को बोले लगा घूर रहे बोल के। तो कब से चल रहा है ये वाकया दुश्मनी? 3 साल से चल रही है ये। अभी जो जिसके ऊपर अटैक हुआ उनकी हालत कंडीशन कैसी है? इंतकाल हो गया उनका। इंतकाल हो गया। क्या नाम है उनका? मोहम्मद साजिद। मोहम्मद साजिद। क्या उम्र रहती उनकी? 40 साल रहती। अच्छा, तो शादी शुदा है? बैचलर है। 3 बेटियां हैं उनकी जी। तो स्पॉट पे आए पुलिस वाले? हाँ। मानने वाले कहाँ के है लोग? वहाँ के छे फातिमा द्वारा मस्जिद से थोड़ा पहले रहने वाले, वहाँ के मुकामी छे। हाँ। आप लोग को कैसा तला मिला? मैं बात कर रहे थे हम लोग ठहर के वहाँ पर। अच्छा, ठहर के बात कर रहे थे हम लोग। ठहर के बात करने के बाद में इन्हों आए वहाँ पर जी। आके जैसे दोनों में भैसमबाजी हुई, उन्हें चाकू निकाल के सीधा मार दिया। मारने वाले कितने लोग थे? उन्हें एक था, उसके साथ में और 4-5 जने इधर बैठे हुए थे, लेकिन इन अकेला छाया था इधर। तो इनका स्पॉट पे दखल हो गया इनका? नहीं, जब उन्होंने था साथ में हम लोग आधे तक आए, पीएस तक आए हमारे साथ में, उसके बाद में हाथा पैरा ढीले डाल दिए। डॉक्टर इंतकाल हो गया बोले। इंतकाल हो गया बोले। अरे है कोई ऊपर ले, ऊपर ले पर बाबा सेहरा तो ऊपर निकाल ला जी। नहीं नहीं नहीं, बोलो क्या नाम है आपका? रुबीना। रुबीना जी। क्या हुआ मां जी? अभी जो उसके ऊपर अटैक हुआ उनका नाम क्या है? मोहम्मद साजिद। क्या उम्र है इनकी? 37। क्या काम करते हो? स्क्रैप का कारोबार करते हैं। कितने बच्चे हैं मान लो? 3 बेटियां। 3 बच्चियां हैं। क्या हुआ अभी? आज पता नहीं अचानक घर के पास आए और लड़ी हो गई, घूर के देखे उन्होंने मेरे को देखे, मैं उनको देखा बोल के ऐसा चल रहा था वहाँ पे, फिर अचानक से लड़ाई हो गई। हम लगा तो घर में थे, हमारे को कुछ भी नहीं मालूम, बाहर जाके देखे तो पूरे लोग थे और हमारे हस्बैंड को खून जा रहा था। मर्डर हो गया, मर्डर हो गया बोल के भाग रहे थे। हम लोग अभी बाहर निकले नहीं मालूम। 2 साल पहले भी लड़ाई हुई थी, 3 साल पहले कंपर में सो गया था। मेरे को घूर रहा, मैं उसको घूर रहा, उसके बारे में हुई लड़े जब कंपर में सो गया था। फिर से आज और हुई। कितने बच्चे हैं? 3 बच्चियां हैं। छोटी बेटी 13-14 साल हो रहा होगा। भाई हम लोग चबूतरे पर बैठे हुए थे, मैं वहाँ पे साजिद बैठे हुए थे, उन लोग वहाँ पे थे गाड़ी लेके बाइक लेके, साजिद भी वहाँ गए। इन लोग का 2 जने बाता कर रहे थे उनके साले, उन लोग बाता करते करते उन्हों चाकू मार के भाग के चले गए। उनके साले साहब चाकू भी पकड़े उनका ऑलरेडी। मारने वाले कौन थे? मारने वाले वो हमारे बस्ती के चौटापल्ली के, साजिद बोल के नाम है उनका, मारने वाले का सिद्दीक, सॉरी सिद्दीक नाम है उनका। बस यही हादसा है, वो हादसे फिर हम मारे। वो कौन है? साजिद। साजिद उनकी अभी देखो 40 होंगी एज, शादी शुदा है। तीन और लेडीज बच्चा है। मारने की वजह क्या है बेटा? मारने की वजह तो वो तो नहीं मालूम, लेकिन नहीं नहीं ऐसा कुछ भी नहीं। अच्छा, मारने वाले कोई नशे वगैरह में? हाँ नशे में थे वो बच्चा। तो वो वही महले के मारने वाले? हाँ मारने वाले। तो वो लोग भागे, कितने लोग थे? वो एक ही आदमी था। मारने की वजह कुछ नहीं पता चली? नहीं नहीं कुछ भी नहीं, 3 साल से दुश्मनी है। 3 साल से कई की दुश्मनी है भैया? मीडिया के सामने किस बात का आदमी की जान चले गई?